हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए चांदनी की कटिंग तैयार करने का वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, चांदनी का पौधा दो तरह का होता है, एक ड्वार्फ वैरायटी जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, और एक इससे बड़ी वैरायटी होती है। ये डबल पेटल और सिंगल पेटल में भी होता है। और ये देखिए, मेरे पास ये लॉन का स्पेस बचा हुआ है जहाँ पे कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चांदनी की कटिंग्स लगाऊंगी और उससे यहाँ के डेकोरेशन में थोड़ा एडअप करूंगी, क्योंकि ये स्पेस बिल्कुल भी खाली लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा अभी पहला वीडियो देखना शुरू किया है, तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको गार्डनिंग से जुड़े ढेर सारे अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे चांदनी के पौधे से मैंने कटिंग लेने के लिए तैयारी कर ली। आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक मोटी ब्रांच को हमें सेलेक्ट करना है। थिकनेस कम से कम इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल भी ग्रीन ब्रांच की अगर आप कटिंग लगाएंगे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये देखिए, ऐसे मैंने ब्रांच को ले लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जो ऊपर के फ्लावर्स एंड एक्स्ट्रा लीव्स हैं, इन्हें हमें कट करके निकाल देना होगा, मतलब जो थिन पार्ट है। और ये थिक पार्ट में से हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कम से कम 6 to 4 inch के जितना होना चाहिए, हमारा जो पौधे की लगाने के लिए स्टेम होना चाहिए उतना हमारे पास। ये देखिए, मैंने इस तरह से कटर से ऐसे काट ले रही हूँ जो ये भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं, जो बहुत सारी लीव्स हैं, क्योंकि कटिंग लगाने के टाइम फिर प्लांट इन्हें की सारी एनर्जी इन्हें सर्वाइव करने में ही वेस्ट हो जाएगी। ये देखिए, एक लीफ को मैं छोड़ दूंगी, एक लीफ का जो स्टेम होगा मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगी, ताकि ये हमें एसेस करने में सही रहेगा कि हमारा प्लांट लाइफ है या डेड हो गया है। बहुत सारी कटिंग्स सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, ये एक मैंने कटिंग बना ली है, ये आपको मैं दूसरी भी कटिंग बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये उसे थोड़ा डिफरेंट स्टेम है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी और यहाँ से पोर्शन को कट कर दूँगी। कट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ ये जो नीचे लीफ बची हुई है वही रह जाएगी मेरे प्लांट में, हमें ज़्यादा लीव्स नहीं रखनी है। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से काट लिया है। अब ये यहाँ से और यहाँ से मैंने इसे कट किया है, ठीक है, और ये सिर्फ दो लीव्स को मैंने छोड़ दिया है उसमें। इसके बाद फ्रेंड्स, इसे हम डायरेक्ट कोकोपीट में या सॉइल में लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मेरे लॉन का जो किनारे का हिस्सा है, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के शुरू में, जो खाली पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे मैं इसे ऐसे लगा दूँगी। और ये देखिए दोस्तों, इसमें लीव्स भी आनी शुरू हो गई हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी कटिंग, आप इसमें देख सकते हैं ढेर सारी प्यारी प्यारी लीव्स आई हुई हैं, छोटी छोटी सी, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये देखिए आप, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये ओल्ड लीव है और ये सारी आप नई लीव्स देख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो कटिंग मैंने लगाई थी उसमें भी देखिए लीव्स आनी शुरू हो गई है, या आप देख सकते हैं छोटी सी लीव्स आ गई हैं। इसमें अच्छे से हम इसकी वाटरिंग का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देंगे और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है हमें। हमारे प्लांट्स कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से डेड हो जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट ये 3 से 4 महीने हो गए हैं जब मेरे सारे पौधों में अच्छे से कटिंग ग्रो कर गई हैं। ये देखिए, ये वही कटिंग है मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये दो स्टेम है क्लियरली। ये देखिए, अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, उसमें से देखिए बहुत सारी डेंस ब्रांचेस निकल के आ गई हैं। और इसमें आप कलियाँ भी देख रहे होंगे, फ्लावर्स भी आने की तैयारी हो गई है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आने वाले हैं अब इसमें। तो बहुत ही आसानी से देखिए हमने कटिंग को लगा लिया है अपने लॉन में किनारे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और सारी कितनी सारी कटिंग्स लगाई थी, तो सारे एरिया में कटिंग लगा के मैंने इसे फिल कर दिया है। देखिए, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कैसे हमें इसे कट करना है। ये देखिए, ये एक और कटिंग थी, वो भी अच्छे से ग्रो कर गई है। और आपको दिखाती हूँ मैं एक और कटिंग जो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें भी पौधे निकल गए हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी इसके स्टेम की लेंथ ज़्यादा थी,
ये वाली कटिंग देखिए। हाँ तो दोस्तों इस तरह से बहुत आसानी से हम अपने चांदनी के पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं और ढेर सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। देखिए एक भी एक कटिंग है, अब ये थोड़ा छोटा है, इसमें अभी लीव्स निकल रही हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल ही छोटी सी कटिंग थी, मैंने इसे बिल्कुल ऐसे ही लगा दिया था। जो मैं आपसे शुरू में कह रही थी कि ग्रीन वाले स्टेम को लगाने में सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, तो मेरे भी कम ही सर्वाइव किए, लेकिन कुछ सर्वाइव कर गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शुरू में बिल्कुल खाली स्पेस था, लेकिन अभी बहुत अच्छे से इसमें मैंने लगाया है, तो अब ये फिलअप कर रहा है इस स्पेस को। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको ढेर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।